ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फूड हम यहाँ पे हमें मिलता है, मतलब हम काफ़ी कुछ काफ़ी सैटिस्फाइड हैं। जो कस्टमर नूं वधिया चीज़ देंदी वो सब नूं वड्डी गल है, हाइजीन की आ जाती है जी। जे तुसीं हाइजीन देंदे हो, क्वालिटी नाल देंदे हो, कस्टमर नूं मैं नहीं सोचदा कि कस्टमर सोचेगा कि मैं कहीं होर जावां। अभी हम बात कर रहे हैं उन कस्टमर्स के साथ जो रेगुलर हैं न्यू रैमसन के। मैडम, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि बड़े मज़े से आप लोग खा रहे हो, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई चाइनीज़ प्लेटर, इनका बहुत फेमस है चाइनीज़ प्लेटर यहाँ से। डेफिनेटली आई विल ईट व्हेन आई कम हियर। एंड बहुत अच्छा है, फूड क्वालिटी अच्छी है, इनकी सर्विसेज बेस्ट है। हमारा पार्टी स्पॉट भी यही है, जब भी हमने लाइक बर्थडे सेलिब्रेट करने होते हैं, आज उनकी फ्लाइट है कनाडा की तो हम उसके सेलिब्रेशन के लिए हैं, तो सभी हम यहीं पे आते हैं, लाइक दे आर बेस्ट। बेटा, कैसा एंबियंस आपको मिलता है? यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, हमें काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है, इसलिए हम बार बार यहाँ पर आते हैं। सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द नवा शहर। न्यू रैमसन्स को अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी रेस्टोरेंट्स के साथ, देन न्यू रैमसन्स इज़ रियली ग्रेट। एंड अगर हमने स्टाफ मेंबर्स की बात करनी हो तो बहुत पोलाइट हैं एज वेल एज कोऑपरेटिव हैं। तो अगर हमने कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ, इवन हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, देन हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हाँ न्यू रैमसन्स जाएंगे या हमें कितना, मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फूड हम यहाँ पे हमें मिलता है, मतलब हम काफ़ी कुछ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। हमें बहुत इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक तरह से जब आपने वहाँ भी कोई पार्टी करनी है, चीज़ मंगानी है, तो आप न्यू रैमसन को ही प्रेफर करते हैं? बिल्कुल, पहली बात के जो हमारा विज़न भी है वो हमारे रैमसन बिल्कुल ही साथ में है ना, तो हम वहाँ पे बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, तो हमें विद इन जितना भी टाइम हम बोलते हैं ना कि 1 बजे 2 बजे, तो पूरा एग्जैक्ट हमें हमारा ऑर्डर मिल जाता है, जो कि वेरी प्लस पॉइंट है हमारे न्यू रैमसन का। बाकी हम क्वाइट सेटिस्फाइड हैं इसके साथ, बिकॉज हमने कोई भी पार्टीज करनी होती है हम यहाँ ही करते हैं हमेशा, उनको भी पता है। ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਚਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਪੈਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਜੈਨੂਨ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੋ ਐਵਰੇਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਬੜੇ ਜੈਨੂਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਸਕੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਬੇਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝਲਕੂਗੀ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਟੌਪ, ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਰੈਮਸਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯੰਗ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਦੇ ਆ।
और मैं चाहूँगा कि छोटे भाई जड़े है इन्होंने उन तो भी मारी जाए निगाह जोड़े कि बड़े स्मार्ट और बड़े फ्रंट काउंटर यही होंगे ने जो भी आता बंदा ई जोन लैके जाते बंदा प्रेशर से जाता यार मैं आ लैना आ लैना जो इन्हों आके देखता मिलता वो खुशी के लथपथ हो जाता क्योंकि उन्होंने आन सारी बिल्कुल प्यार होस्पिटैलिटी इन्हों की इन्नी ज़्यादा हैगी है जो प्यारे उन्होंने बोलते हैं बंदे ईज़ हो जाता है और रेट्स आ जोड़े जो रेट्स आते फिर अगला बंदा उदू खुश हो जाता क्योंकि रेट्स आ जोड़े इन्होंने शोरूम जोड़ा है नो डाउट हार्ट ऑफ द नवा शहर इन्ना वधिया बनाया लेकिन रेट्स आ जोड़े बड़े जैनुअन ने गल करेंगे वीर जी के वीर जी स्वागत है तुहाडा वेलकम जी तुहाडा सानू पहला तुहाडा वेलकम जी तुहाडा मेरे कोल आना जी वीर जी की कहना चाहोगे कि न्यू रैमसन जिहड़ा कि तुहाडी 30 साल की लंबी जिहड़ी मेहनत आ अपना खून डोल के अपने नाल अपने आप नू पूरी तरह दे नाल मेहनत करके जिहड़ा हैगा अपनी सेवा दे विच आए सीगे और अज न्यू रैमसन दे रूप दे विच तुसीं खोलिया की कहना चाहोगे देखो जिहड़ा न्यू रैमसन हैगा कि ये अपने आप दे विच एक क्वालिटी नाल हैगा जी जे क्वालिटी तुसीं कस्टमर नू मार्केट च अच्छी देंदे हो जे कस्टमर नू वधिया चीज़ देंदे हो सब नू वड्डी गल इहदे विच हाइजीन दी आ जांदी है जी जे तुसीं हाइजीन देंदे हो क्वालिटी नाल देंदे हो कस्टमर नू मैं नहीं सोचदा कि कस्टमर सोचेगा कि मैं कितें होर जावां बाकी कस्टमर का पुराना प्यार हैगा जे मेरे नाल पुराने मेरे सज्जन जुड़े हुए ने अज भी मेरे को आ रहे ने मेरे को इधर आले दुआले तो ज़्यादा नहीं कहूँगा 300-400 किलोमीटर कस्टमर मेरे को स्पैशल बठेरे आ रहा जी अवीर जी की कहना चाहोगे कि दुध जिहड़ा कि मेन कंस्टीट्यूट है वो तुसीं बिल्कुल प्योर हमेशा वरत्या और दुध के नाल चीज़ा बनिया दुध की तुसीं क्वालिटी कदे भी चाहे किन्ना मर्जी कंपीटीशन हो जाए मार्केट के किन्ना मर्जी तुहानूं रेट्स आ जिहड़े हैगे आ उह जेन्युइन ही रखणे लेकिन दुध जिहड़ा वधिया देना दुध इस तरह है कि दुध सानू मार्केट चो जिन्ना वधिया अवेलेबल हुंदा है उन्ने दुध नाल काम करना ज़्यादा बेहतर है कि हल्का दुध लैण नालों असीं ज़्यादा मोस्टली दुध वेरका और मदर डैडी का दुध ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जी जिहदे विच्चों क्वालिटी और स्टैंडर्ड पूरा मिलता जी की कहना चाहोगे कि कहना चाहोगे कि जिस तरीके दे नाल आपां देखदे हां कि ये शॉप दे विच नमकीन दे लई बड़ी मशहूर है शॉप हो चुकी आ बंदे ने उत्थों ऑर्डर दे देना हैगा भी ये चीज़ा जिहड़ियां हैगियां भेज दो ऑनलाइन डिलीवरी जिहड़ी हैगी आ वो भी इत्थे अवेलेबल हैगी आ बिल्कुल हैगी आ जी साडे स्नैक्स दे विच मेरे को चीज़ फिंगर्स हैगे आ जी जिहड़े लोग इन्ने पसंद करदे आ कि मैनूं स्पैशल बंदा जलंधरों चलेगा कहेगा जी मेरे रेडी करके रखो जी मैं पहुँचण लगा फिर मेरे को समोसिया का ऐसा टेस्ट हैगा कि जोड़ा बंदा एक बार समोसे खा जाएगा वो वापस आकर थोड़े समोसे निर्माण जरूर करेगा कि मैं समोसे खाने का न्यू रामसन से खाने वीर जी हाइजैनिक का तुम बड़ा ध्यान रखते हो लोगों की सेहत का बड़ा ध्यान रखते हो घी जोड़े है ऑयल जोड़े यूज़ करने जोड़े इनग्रीडियंट यूज़ करने मटर पाने बिच पनीर पाना छोले और आलू पाने है देख के तुम क्वालिटी की बिल्कुल फ्रैशनैस के नाल भरपूर हो और मसाले वो जो पाने कि जोड़ा बंद का यह ना हो समोसा खा के थोड़ा समोसा खा के बंद का पेट वो भी नॉर्मल जो कोई रहा बिल्कुल हल्का फील करूँगा पता की गल है गल फिर दोबारा पहली बार आ जाने जी कस्टमर तुसी क्वालिटी हाइजीन और स्टैंडर्ड दोगे थानू किसी चीज़ बारे सोचने की जरूरत नहीं हैगी इन फ्यूचर कभी भी सोचने जरूरत नहीं पा सर रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और आप देखा कि तुम गिफ्ट का जो बंपर है अवेलेबल हैगा और गिफ्ट्स भी बिल्कुल रीजनेबल रेट के उपर तुम पहले दिन तो यह सोचा सी कि असी कस्टमर के फेवर के ही काम करना हैगा आप गढ़शंकर के काउंटर की गल कर लिए जो कि अज हर्ट बन चुके हिमाचल के लोग आके उतों चीज़ा परचेज़ करते हैं इतों गल कर लिए तो इतने भी हिमाचल तक के जो लोग आके परचेज़ करते जो गल हैगी है जी जे रेट्स तुम जेन्युइन रखोगे और क्वालिटी दोगे तुम रेट्स इन्नी ज़्यादा हाई कर दो कस्टमर देख के वापस चला जाए तो समान के दुकान के चीज़ होने का कोई फायदा नहीं है जी वो कस्टमर की पॉकेट अलाउ करनी चाहिए कि तुहाडे कोल कस्टमर आए तो आके उस चीज़ को एक्सेप्ट करे सर की कहना चाहोगे कोई मैरिज वाला आता चाहे उन्हें डब्बे चूज़ करने हैं चाहे उन्हें होर चीज़ा चूज़ करनिया एक बार रैमसन न्यू रैमसन के अंदर आ गया बंदा तो वो अपने ही हो गया और उन्होंने कोई डिफिकल्टी नहीं चाहे तो बाजारों भी कोई चीज़ परचेज करके लिया के देनी पवे लेकिन तुम उन्होंने कहने भी तू भाई तेरा मिठाई वाला काउंटर से संभाल लिया हम तेरे मिठाई की कोई बोझ नहीं देखो इस तरह की हर तरह की फ्लैक्सीबिलिटी कस्टमर मैं दिना जी उन्होंने आगे बॉक्सिस का पैटर्न चाहिए वो पूरा हेल्प कर देती है फूड स्वीट्स का जो चाहिए ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करके देता जी ये नहीं कस्टमर आके कहो कि मैंने आह चीज़ चाहिए आए नहीं जी आए नहीं हर चीज़ प्रोवाइड करके दे दिया एन आर आई की बड़ी बेल्ट जी वीर जी तुहाडे नाल जुड़ी हुई है 30 साल का तुहाडा पुराना उन्होंने नाल यूनियन हैगी उधर ही कह देंगे भी भाई साहब असी ब्याह ते आ रहे हैं हुण असी ब्याह करना हैगा आके इन्नी मिठाई देनी है इन्नी आ चीज़ करनी हैगी आ और तुसीं जिहड़े कि टाइम तो पहला सब तो वड्डी गल है टाइम तुसीं टाइम के बड़े पाबंद हो तुसीं हमेशा जिहड़ा अगले की डिलीवरी देनी है वो टाइम सिर दे देनी इस तरह कि कई एन आर आई जिहड़े लोग हैगे आ ऑनलाइन साडे नाल टाई अप हैगे आ जी ऑनलाइन ही सारा सैटअप करके सारा उन्होंने सिर उन्होंने को आने लई इन्ना क टाइम हुंदा कि अपना सिर्फ ब्याह कर सकन उन्होंने आने तो पहला हर चीज़ की तैयारी करके रखी होंगी है कि वह अगर अपना ईजीली फंक्शन रेडी करके अपने गैस में एंटरटेन करना है सर न्यू रैमसन जो एक ब्रांड बन चुका है
ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ ਦੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪਲੈਨਡ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਬੰਧਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਲੰਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਕਲੈਂਟ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਰਫੀ ਲੈਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਕੰਦ ਲੈਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਢੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਢੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਓਫਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਰੈਮਸਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ 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 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਟੇਸਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟੀ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੁਆਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੋਇਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਭਟੂਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸੀ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਐਂਜੀਐਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾ।